नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे आगामी जो GPSC की परीक्षा होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा करीब नवंबर में, इसी माह नवंबर में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। नोटिफिकेशन इसका आ चुका होगा, इसका संभावित एग्ज़ाम जनवरी फरवरी तक हो जाने की संभावना है। तो GPSC 2023 वाले एग्ज़ाम के सेकेंड पेपर, ठीक ना, झारखंड से संबंधित है, ठीक है। और झारखंड में इसमें 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी कुल मिला के 200 मार्क्स का। सबसे इम्पोर्टेंट है, यह एक ऐसा चैप्टर है जहां से आप 100 प्रश्न में 80 प्लस भी हो सकते हैं, पूरा संभावना है, स्कोरिंग है, यहां से जितना नंबर उठा सकते हैं उतना उठा सकते हैं, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि झारखंड का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को जो भी किताबें लीजिएगा, 400 पन्नों की है, 500 पन्नों की है, ठीक ना, मोटी मोटी ग्रंथें आई हुई हैं, तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। 500 पन्नों का, 700 800 पन्नों का ग्रंथ पढ़ने में आपको महीना दो महीना लग जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से पढ़िए, सेलेक्टेड चीज़ पढ़िए, कम समय में बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल की जा सके। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, झारखंड एक अवलोकन, जिसमें झारखंड का सामान्य परिचय, ठीक ना। इसके अलावा झारखंड के राजकीय प्रतीक और झारखंड की जनसंख्या, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में, ठीक ना, उसमें देखिएगा, मैंने बता रखे हैं कि झारखंड के किस किस पोर्शन से कितने कितने प्रश्न आएंगे, किस किस विषय से, किस किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, एक और वीडियो है उसमें मैंने बना रखा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि झारखंड का सामान्य परिचय, राजकीय प्रतीक और जनसंख्या, ये तीनों बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो उस वीडियो में देख लीजिएगा कितने प्रश्न हैं और इस हिसाब से इसको कंठस्थ रखिएगा। इसके बाद दूसरा है झारखंड का इतिहास। तो झारखंड का इतिहास भी बहुत लंबा है, इसमें झारखंड का ऐतिहासिक परिचय भी है, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड कैसा था, झारखंड में धार्मिक आंदोलन कब कब हुए, कैसे हुए, प्राचीन काल में झारखंड क्या है, मध्यकाल में झारखंड का विकास कैसा हुआ, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश कौन कौन से थे, ठीक ना, अंग्रेज झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ, झारखंड में जनजातीय विद्रोह कब हुआ, झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुआ, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कैसे हुआ, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, झारखंड ऐतिहासिक काल। तो यहाँ झारखंड का इतिहास जो है एक ऑलरेडी बहुत लंबा पोर्शन है, इसके लिए अभी से ही तैयारी में लग जाइए। इसके बाद अगला है झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, नागपुरी नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था, अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको हर हाल में इसे याद रखना है, सबका नोट्स बना लेना है, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना करे, कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना। और जिस तरह से बच्चों की भीड़ बढ़ रही है, प्रश्न की प्रकृति में भी जटिलता है, ठीक ना, उसमें कूट है, वक्तव्य है, उसके नीचे कूट है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जो फैक्ट है उस पर पकड़ होनी चाहिए, तब जाके आपके प्रश्न सटीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के भूमि संबंधी कानून, सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार धाराएं पूछ देता है ये धारा किससे रिलेटेड है, तो ये सब याद रखना है। इसमें है भूमि संबंधी अधिनियम, इसका परिचय, छोटा नागपुर भू धृति अधिनियम, ठीक ना, ये करीब 1869 का है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी का है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और CNT तथा SPT में प्रस्तावित संशोधन, इसके अलावा पेशा 1996, भूमि अधिकारों से संबंधित घटनाएं, ये सब झारखंड के भूमि संबंधी कानून के अंतर्गत हैं, इसे याद रखना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा झारखंड की प्रमुख नीतियाँ, तो झारखंड की औद्योगिक नीति क्या है, विस्थापन पुनर्वास नीति क्या है, प्रत्यार्पण पुनर्वास नीति 2009 क्या है, स्थानीयता की नीति क्या है, अन्य प्रमुख नीतियाँ क्या है, ठीक, ये भी ध्यान में रखना है। अब झारखंड की कला एवं संस्कृति, तो इसमें झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय, झारखंड की जनजातियाँ कौन कौन सी है, झारखंड में सदान कौन कौन से, जनजातियों के वस्त्र आभूषण खान पान, उनके प्रमुख किले राजप्रसाद मंदिर, प्रमुख लोकगीत लोक नृत्य लोकनाट
प्रमुख वाद्य यंत्र, पर्व त्यौहार, मेले एवं चित्रकलाएँ, ठीक ना, ये सारे के सारे प्रमुख हैं। भाषाएँ, साहित्य, ये इस सेक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण के अंतर्गत झारखंड का भौगोलिक परिचय, भूगर्भिक संरचना, धरातलीय स्वरूप, अपवाह प्रणाली, जलवायु, मिट्टी, वन, वन प्रबंधन, वन्य प्राणी संरक्षण, कृषि, सिंचाई प्रणाली, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य, झारखंड में आपदा प्रबंधन, ये सब झारखंड के ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है झारखंड की अर्थव्यवस्था। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, इस झारखंड के खनिज संसाधन, झारखंड के उद्योग, झारखंड की परिवहन प्रणाली, झारखंड की संचार व्यवस्था, झारखंड में विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, झारखंड बजट, झारखंड की राज्य व्यवस्था का परिचय, ठीक ना, ये सब झारखंड की अर्थव्यवस्थाएँ में आ जाएंगे। अगला टॉपिक है झारखंड की राज्य व्यवस्था। यह झारखंड की राज्य व्यवस्था का परिचय, झारखंड विधानसभा, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019, झारखंड सरकार, झारखंड में स्थानीय शासन, झारखंड का प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों को कंठस्थ करना है। इसके बाद झारखंड के जिलों का संक्षिप्त परिचय, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, कौन सा जिला है, कितने प्रखंड है, कितने अनुमंडल हैं, कितने उसमें तीर्थ स्थान है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट उसमें महत्वपूर्ण स्थल हैं, क्या विशेषता है जिलों को, कौन सी सड़कें जा रही हैं, ठीक ना, कौन किसके अगल बगल में है, मौजूद है या नहीं है, तो झारखंड के जिले भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद झारखंड विविध, मैंने झारखंड में प्रथम कौन है, झारखंड में सर्वाधिक छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा कौन है, भारत, एशिया तथा विश्व में झारखंड की स्थिति क्या है, प्रमुख स्थलों के उपनाम, नए नाम, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, झारखंड में खेलकूद, झारखंड में पर्यटन स्थल, झारखंड में संचालित प्रमुख ऑपरेशंस और झारखंड के प्रमुख शैक्षिक संस्थान, झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, मोमेंटम झारखंड, वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16, झारखंड महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप। तो ये सब आपको झारखंड के विविध में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। अब हम यहाँ पे जो क्लास स्टार्ट होगी तो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, ठीक ना, तो आप इससे जुड़े रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि इस झारखंड सब्जेक्ट में आप अधिक से अधिक स्कोर करने में बहुत ही अच्छी तरह से सहायक होंगे। थैंक यू।